देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रतीक मिश्रा। और अब रुक करते हैं खबरों की। बाराबंकी में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते एक मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। बिजली के तार से चिपकने के बाद कराहता रहा मासूम। खेलते खेलते खंबे के अर्थिंग तार की चपेट में आया था बच्चा। मासूम सूफियाना मदरसे का छात्र था। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते मासूम बच्चे की हुई दर्दनाक मौत। तार से चिपकने के बाद कराहता रहा मासूम। खेलते खेलते खंबे के अर्थिंग तार की चपेट में आया था बच्चा। मासूम सुफियान मदरसे का छात्र था। खंबे पर बांधे जाने वाला अर्थिंग तार जमीन से न बांधकर खंबे पर लटकता छोड़ दिया गया। घटना को लेकर परिजनों में बिजली विभाग पर नाराजगी जाहिर की। घटना कोतवाली फतेहपुर की कस्बा फतेहपुर के मोहल्ला फैजादपुर का। बीती रात गोवर्धन के गांव गठौली में चोरों ने छैल बिहारी के घर में धावा बोल दिया, जिसमें रखे लाखों के आभूषण को उड़ा ले गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने इस पूरी घटना की जांच में जुट गई। मथुरा में गोवर्धन थाना के अंतर्गत गाँव गांठौली के छैल बिहारी के घर में आधी रात को चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों द्वारा घर की लाइट को बंद कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। घर की महिलाओं को शक होने पर जब तक वो कुछ समझ पाती तब तक चोर चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके थे। घर वालों की माने तो उनका कहना है कि करीब देर रात चोरों ने घर को निशाना बनाकर करीब 15 लाख रुपए के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि छैल बिहारी का बेटा MP पुलिस में तैनात है, जिसकी शादी करीब 1 साल पहले हुई थी। शादी में मिले सोने चांदी के आभूषणों को घर में रखा था, जिस पर देर रात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। छैल बिहारी द्वारा आभूषणों की कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस द्वारा मामले की छानबीन की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि क्षेत्र में चोरों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं? कहीं भी किसी भी समय चोरी की वारदात को अंजाम देने में अपराधी नहीं चूकते। क्या नाम आपको? छैल बिहारी। छैल बिहारी कहाँ के रहने वाले हो? गांठौली कुलालगंज। ये आपके यहाँ पे कोई घटना को अंजाम दिया, क्या घटना हुई? ये हुई साहब, लाइट जल रही थी। लाइट बंद होने पर हमारी घरवाली जगी। उसने कही ये लाइट तुमने बंद करी कि? हमने बोले कि हमने बंद नहीं करी। तो तुरंत ही दूसरे गेट को भागी, दूसरा गेट खुला मिला। हम अंदर आए तो ऊपर वो हाथ में झोला लेते हुए, हमने भागते हुए उनको देखा। और बच्चा हमारा एक MP पुलिस में रहता है, एक आगरा तैयारी करता है सर। क्या क्या सामान चला गया? सामान सब दोनों सोने चांदी के वो हैं, सब गया पूरा सामान। लगभग कितने रुपए? गोदरेज अलमारी जो सब तोड़ तार गए, बक्सा सब। लगभग कितने रुपए का सामान? 10-15 लाख का होगा सब सामान। चूड़ियाँ हाथन की चार चार, मोहरें, हारें, अंगूठी हैं, कमर की कुंदनी हैं, पामन के पाजे हैं, गुस्ताने वगैरह सब 8-10 हज़ार रुपये में चढ़ाया वो सब 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 सामान। यूपी में योगी सरकार जब से काबिज हुई है तब से भू माफियाओं पर सरकार डंडा चला रही है। ऐसा ही मामला जनपद कानपुर देहात के झिंझक नगर पालिका में सामने आया है, जो काफी दिनों से चर्चा में चल रहा है। यहाँ पर भू माफियाओं ने करीब 2 बीघा सरकारी धर्मशाला की जमीन बेच डाली। यूपी में योगी सरकार जब से काबिज हुई है तब से भू माफियाओं पर सरकार डंडा चला रही है। और ऐसा ही मामला जिला कानपुर देहात के झिंझक नगर पालिका से आया है, जहां काफ़ी दिनों से चर्चा में चल रहा है कि एक भू माफिया ने करीब दो बीघा सरकारी धर्मशाला की जमीन बेच डाली। वहीं जिन लोगों ने प्लॉट खरीदा था उन लोगों ने पक्का मकान बनवा लिया। करीब 30 सालों से निवास करते चले आ रहे हैं। करीब 16 प्लॉट खाली पड़े हैं। और ये मामले का खुलासा तब हुआ जब 12 जून को अनीता पत्नी मोहन सिंह को सुधीर सिंह गौड़ ने बैनामा कर दिया था। भू माफिया सुधीर सिंह ने धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपए की जमीन बेच डाली। वहीं जब कब्जेदारों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि करीब 1990 में प्लाटों की बिक्री की गई, तब सुधीर सिंह गौड़ ने रजिस्ट्री और नोटरी पर प्लाट दिया था। वहीं जब संवाददाता ने भू माफिया की माँ सरला देवी से बात की तो उन्होंने बताया कि ये जमीन मेरे पुरखों की है और अगर मेरी जमीन नहीं थी तो नगर पंचायत हमसे टैक्स क्यों लेती रही। इसके बाद उन्होंने बताया अगर सरकारी धर्मशाला था तो फिर बिजली सड़क नाली की व्यवस्था नगर पंचायत ने क्यों नहीं की। ऐसे सवालों से अधिकारियों की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। दादा क्या नाम है आपका? अच्छा दादा, एक मामला सामने आया है कि जहाँ पे आप निवास कर रहे हैं वो जमीन सरकार की है। क्या है पूरा मामला बताएं? कब से आप रह रहे हैं और कितनी उम्र है आपकी? उम्र भाई 93 चल रही है। अच्छा, अब आप यहाँ पे कब से निवास कर रहे हैं और किसकी जमीन थी? 25 साल। ये जमीन थी सुगर सिंह की। यहाँ बाग था, है आगे गेट लगो थे, वहाँ प्लेटें लगी थी।
लेट लगी। आपने किस सन में खरीदा था ये? सन किया मैंने ना याद है, कौन 25 साल बता दे, 25 साल पहले कौन सन। और कित प्लाट लिया था, और आपके पास कागजात में क्या है? कागजात में हमारे पास वो है नोटरी है। अच्छा, कितने का प्लाट लिया था? 26 27 को है। अच्छा, आपको मालूम नहीं चला था कि सरकार की जमीन है या उनकी खुद की जमीन है? आपको क्या लगता है, आप काफी उम्र के हैं? लगता तो ये है कि सब सबने खरीदे थे, हमने इनकी है जमीन, इसलिए खरीद लिया। वैसे आपको क्या लगता है, पुराने समय से आप रह रहे हैं, इनकी कब से इनका कब से राज चलता है यहाँ पे? मतलब जो बताया जा रहा है कि ये लोग राजा रजवाड़े हैं, तो क्या लगता है, आपने तो देखा होगा सैकड़ों साल पहले। अच्छा, नगर पालिका। अच्छा, आपने कब से यहाँ कब से रह रहे हो, कितने प्लाट? 2001 में 2 प्लाट खरीदे हमने, थोड़े दिन बाद बनवा के तभी से रह रहे हैं ये कहीं से हमने। ये प्लाट दोनों आपने किससे खरीदा था और कितने का खरीदा था? नंबरदार सुधीर सिंह से एक खरीदा, 20,000 का, 31,000 का। अच्छा, जब प्लाट खरीदा तो आपने देखा नहीं था ये जमीन किसकी है, और आपने बिना देखे खरीद ली? अब तो सरकारी नहीं, देख तो हमेशा से रहे थे, ये देख रहे थे हम कि हमारे गाँव के नंबरदार हैं और बाबा पूर्वजन की इनकी हमेशा की जमीन है, उसी आधार पर हमने ले ली। वर्तमान में आप जहाँ रह रहे हैं ये जमीन राजस्व अभिलेखों में सरकारी धर्मशाला के नाम से दर्ज है। ऐसे में योगी सरकार एक कड़ा अभियान एंटी भूमाफिया का चला रही है, जिससे जो भी अवैध कब्जेदार उनसे अपनी जमीन छुड़ा रहे हैं। ऐसे में अगर आपको अपना घर बच्चों सहित छोड़ना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे? ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे साहब, उम्मीद करेंगे कि सरकार हमारा साथ दे और हमारे हित में जो हो वो फैसला करे, नहीं तो अगर घर छूट रहा तो हमारा बड़ा परिवार हम तो करेंगे आत्महत्या। कानपुर देहात से संवाददाता आकाश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बिजनौर में एक पति अपनी बीवी को एक महीने से दर दर की ठोकरें खाकर ढूंढ रहा है, मगर वो नहीं मिल पाई। तब जाकर पीड़ित ने बिजनौर SP संजीव त्यागी से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाई। बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम जेटपुरा इलाके में एक महीने से लापता पत्नी की तलाश करने के लिए एक पति दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। पीड़ित ने बिजनौर SP संजीव त्यागी से लापता पत्नी की बरामदगी के लिए गुहार लगाई। ये तस्वीरों में बंटी नाम का युवक है, जो पिछले एक महीने से अपनी बीवी को ढूंढ रहा है, मगर वो नहीं मिल पाई। और हद तो तब हुई जब पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज कर ली, लेकिन उसकी पत्नी को ढूंढ नहीं पाई। आखिर में पीड़ित युवक ने बिजनौर SP संजीव त्यागी के पास जाकर इंसाफ की गुहार लगाई। हालांकि SP ने आश्वासन देकर पीड़ित को घर भेज दिया। क्या नाम है आपका? बंटी। बंटी जी, क्या मामला हुआ आपके साथ? मेरी घर वाली पिछले महीने की 25 तारीख को घर से फरार हो गई है, और उसमें मैंने बहुत छानबीन करी है, उसका कहीं पता नहीं लगा, और पुलिस भी छानबीन कर रही है। थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी आपने? और थाने में गुमशुदगी की मैंने रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस भी अपना छानबीन कर रही है, पता नहीं लगा अभी तक, कोई पता नहीं लगा। और बताओ। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि मिल जाओ, वो अपना जा दिए। अब बता रहे थे कि आपने साले ने मुकदमा कर, और मेरे साले ने मेरे को उल्टा मुकदमा कर दिया है, 5 लाख रुपए आने दहेज मांग रहा था लड़का, और बुलेट गाड़ी मांग रहा था। क्या चाहते हो? जी बस मैं कोई दिक्कत ना होनी चाहिए, जो भी सिस्टम उसका अपना जैसी भी कहीं भी वो अपना चुपचाप आ जाएगा, मैं वैसे ही धन्यवाद। बिजनौर से संवाददाता सलीम अहमद की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। इटावा में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में पार्टी के सदस्यों के द्वारा एक दिवसीय उपवास रखा गया, जिसमें जनपद इटावा से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उदय भान यादव व लगभग 50 सदस्यों ने मिलकर सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के सामने कचहरी में उन्नाव की बेटी को न्याय दिलाने हेतु एक दिवसीय उपवास पर बैठे। इटावा में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में पार्टी के सदस्यों द्वारा एक दिवसीय उपवास रखा गया, जिसमें जिला इटावा से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उदय भान यादव और लगभग 50 सदस्यों ने मिलकर सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के सामने कचहरी में उन्नाव की बेटी को न्याय दिलाने के लिए एक दिवसीय उपवास पर बैठे।
कांग्रेस जिला अध्यक्ष उदयभान यादव ने बताया कि उन्नाव की बेटी के लिए सर्वोच्च इलाज की व्यवस्था की जाए, उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, आरोपी विधायक को पार्टी से बर्खास्त कर कानूनी कार्रवाई की जाए और बच्ची के चाचा को 1 महीने की पैरोल पर जेल से रिहा किया जाए ताकि वो बच्ची का इलाज करा सके। अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वर्तमान सरकार के खिलाफ और उन्नाव की पीड़ित बेटी को न्याय दिलाने के लिए हर दिन उपवास जारी रहेगा और कैंडल मार्च निकालकर पूरे शहर में न्याय दिलाने की पूरी कोशिश होगी। अध्यक्ष जी, आज आप कचहरी परिसर में बैठे हुए हैं, क्या ऐसा मामला है, क्यों बैठे हुए हैं? उन्नाव की बेटी को न्याय दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हम लोग 1 दिवसीय उपवास पर बैठे हैं। हमारी मांग है कि उन्नाव की बेटी को सर्वोच्च इलाज की व्यवस्था की जाए, उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए और जो आरोपी विधायक को बर्खास्त किया जाए और उनके चाचा को 1 माह की पैरोल पे छोड़ा जाए जिससे कि वो अपने परिवारजनों का इलाज समुचित करा सके। कचहरी में आप लोग और कितनी देर तक बैठेंगे? अभी 11 बजे से हम लोग बैठे हैं और काफ़ी देर शाम तक बैठेंगे। इससे संबंधित आप विज्ञप्ति किसको देने वाले हैं? नहीं, हम केवल उपवास पे हैं। हम लोग 4 मांगे हैं जो मैंने बताई, वही मांगों को लेके हम लोग बैठे हैं। जी, यदि आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आप तो अनबरा चल रहा है। कल हमारा मोमबत्ती का कैंडल मार्च था शास्त्री चौराहे पे, आज ये है, आगे भी लड़ाई जारी रहेगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता। जी, ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल गोस्वामी, यूपी क्राइम न्यूज। और अब इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए यूपी क्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।